मोस्ट फेवरेट कार रेनॉल्ट की डस्टर, प्राइसिंग जो इसकी रहेगी 3,90,000। 3,90,000। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यू टू एक्सप्लोर की एक और वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त कैलाश। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आपको पता ही है कि न्यू टू एक्सप्लोर दिल्ली में नए नए डीलरशिप एक्सप्लोर करता रहता है, इसीलिए हमारा चैनल का नाम न्यू टू एक्सप्लोर है। तो आज हम एक नई डीलरशिप एक्सप्लोर करेंगे जो कि दिल्ली में है, प्रीति विहार में। यहाँ का एड्रेस और डिटेल हम सारा आपको डिस्क्रिप्शन में देंगे। और यहाँ क्या क्या मिलेगा, एक छोटी सी एक मैं झलक दिखा देता हूँ। आज की वीडियो में कुछ SUV और MUV सेगमेंट की कार रहेंगी, तो मल्टी ब्रांड कार रहेंगी। तो एक एक करके सब डिटेल ड्रिविन सब कुछ बताएंगे। और मैं हूँ इस समय जैस्मिन मोटर पे, जहाँ के ओनर हैं मिस्टर नमन जी, उन्हें बुला लेते हैं यहाँ की डिटेल देने के लिए। सर आइए। सर कैसे हैं नमन जी? तो सर हम आपके यहाँ पहली बार आए हैं, तो थोड़ा सा पहला अपना डीलरशिप के बारे में बताइए, क्या क्या आप प्रोवाइड करते हैं, कैसी डील करते हैं आप? तो सारी मिड में XUV 500 के अंदर सारी अपना मिड सेगमेंट में डील करते हैं। ओके। XUV सेडान हैचबैक सारी गाड़ी में डील करते हैं। ओके। और फाइनेंस फैसिलिटी ऑल इंडिया फाइनेंस फैसिलिटी रहती है, पैन इंडिया। ठीक है। और अपना मोस्टली सारी गाड़ियाँ जो होंगी सर्विस रिकॉर्ड की और नॉन एक्सीडेंटल की, हम पूरी सिक्योरिटी देते हैं हर गाड़ी की। ओके। तो बाकी तो काफ़ी सारी बातें होंगे जो हम लास्ट में करेंगे, बिल्कुल जो लास्ट का पार्ट होता है, मिस मत करिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। और पहले हम दे देते हैं सारी गाड़ियों की आपको डिटेल। तो शुरुआत कर देते हैं, सबसे पहले आपकी मोस्ट फेवरेट कार खड़ी हुई है XUV 500, जो आपके चैनल की शान है। और नमन जी तीन खड़ी कर रखी है आपने XUV 500, तो शुरुआत इसी से कर देते हैं, डिटेल बता दीजिए क्या है। ये 2015 है, W8 वेरिएंट है, टॉप वेरिएंट है, सिंगल ओनर कार है, दिल्ली का रजिस्ट्रेशन है। ठीक है। और 62,000 किलोमीटर विद रिकॉर्ड ड्रिवन है। ओके। फीचर इसमें 6 एयरबैग, ABS, अलॉयस, म्यूजिक सिस्टम कंप्लीट बिल्ड, क्रूज कंट्रोल मिल जाएंगे। ठीक है। फुली लोडेड आएगी, कोई आफ्टर मार्केट नहीं है इसमें। ठीक है, मतलब कुछ कराने की जरूरत नहीं है, कुछ कराने की। ऑल ओरिजिनल कुछ कराया आपने? बम्पर्स वगैरह टचअप है। ओके। बाकी नॉन एक्सीडेंटल की और मीटर की ये पूरी श्योरिटी है। पूरी श्योरिटी देंगे। तो क्या डिमांड रखी है आपने? ये सर 7.5 लाख। 7.5 लाख 2015 मॉडल, 2015 W। चलिए 7.5 लाख की आपको ये डील मिलती है। अब आ जाते हैं आपकी मोस्ट फेवरेट एक और कार आ गई, TUV 300, ये ब्लैक कलर में है, क्या डिटेल है सर? ये सर 2016 T8 ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन टॉप मॉडल है, डीजल में। ठीक है। और सिंगल ओनर कार है, HR26 गुड़गांव का रजिस्ट्रेशन है। फीचर इसमें भी डुअल एयरबैग, ABS, अलॉयज, सिस्टम कंप्लीट बिल्ड, फुली लोडेड आएगी। ओके। और 41,000 विद सर्विस गोल्ड रिबन है। ओके। इसी मंथ रिसेंटली सर्विस भी हो रखी है इसकी कंपनी से। ओके। और प्राइसिंग की इसकी बात करें, इसका ओनर सीरियल फर्स्ट है ना? फर्स्ट ओनर है, 2016 T8 ऑटोमेटिक। ठीक है। कुछ कराया हुआ काम इसमें? ऑल ओरिजिनल है, सारी कुछ नहीं कराया। बम्पर वगैरह भी रिपेयर नहीं है? बम्पर ओरिजिनल है। ओके। तो मैं वैसे आज मैं अगर लेने जाता हूँ नई, कितने की आएगी लगभग? 13.5 लाख की है सर ये वाला मॉडल। ये मॉडल 2016 मॉडल ऑटोमेटिक, आपने क्या डील रखी है जैस्मिन मोटर पे? 685,000 कुछ गुंजाइश रहेगी? जो आपका नाम लेके आएगा, जो हल्की फुल्की 5,000 की गुंजाइश करेगी। चलिए, मतलब ऑन द टेबल नेगोशिएशन की थोड़ी बहुत गुंजाइश है, बाकी मैं लास्ट टू लास्ट प्राइस बता के रहा हूं। मतलब आप बेस्ट डील देके चल रहे हो? बिल्कुल। चलिए, आपका इनका कहना है बेस्ट डील, लेकिन जो भी थोड़ी बहुत भी जो भी गुंजाइश होगी वो आपके विजिट करने पर होगी, जब आप टेबल पर बैठेंगे, बातचीत करेंगे, फाइनल डील करेंगे, तो वो क्लोज हो सकती है। एक और आगे व्हाइट कलर की XUV 500, सर इसकी क्या डिटेल है? सर ये 2013 W8 टॉप वेरिएंट है, ये भी सिंगल ओनर कार है, दिल्ली का रजिस्ट्रेशन है, किलोमीटर ये 82,000 विद रिकॉर्ड ड्रिवन है। ठीक है। फीचर इसमें भी 6 एयरबैग, ABS, अलॉयस, क्रूज कंट्रोल, नेविगेशन, फुली लोडेड आएगी कंपनी से। ठीक है। 2013 नवंबर की गाड़ी है। ठीक है। W8 उस टाइम अपना पूरा टॉप एंड वेरिएंट था, 15W8 टॉप वेरिएंट था 15 तक। आज की डेट में W10 आ गया, W10 W11 भी आ गया है, W10 उनमें सनरूफ आ जाएगा। हां, तो फीचर्स वही लगभग सेम मिलते हैं उसके जैसे ही, फीचर्स में कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन सर मेरी प्रॉब्लम है कि मैं हर गाड़ी में पूछता हूँ कि कोई कमी है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है,
तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर? पूरी कंपनी सर्विस रिकॉर्ड के साथ गाड़ी है, कोई भी कस्टमर शोरूम ले जाके गाड़ी चेक कराना हो हमसे आरसी ले ले, पूरा सेटिस्फाई है, उसके बाद पेमेंट की बात करें। क्या डील रखी है आपने? प्राइसिंग इसकी रहेगी सर 530, 5,30,000, 5,30,000 2013 मॉडल, 2013 WRX। चलिए 530 की एक आपको एक्सयूवी और मिल जाती है। अब बढ़ते हैं, एक और कार दिखा देते हैं, ये भी एक्सयूवी आ गई, ये कुछ मुझे आगे ऊपर मॉडल की लग रही है, 2000 ये 2016 है, न्यू शेप। ओके, ये 2016 W4 वेरिएंट है। ओके, सिंगल ओनर कार है, UP16 नोएडा का रजिस्ट्रेशन है। ठीक है, फीचर इसमें आपको डुअल एयरबैग, ABS, म्यूजिक सिस्टम मिल जाएगा, बैक लैम्प कैमरा, अलॉयस और फॉग लाइट्स, ये आफ्टर मार्केट फिटेड है, इसमें आते नहीं है। ओके ठीक है, ये आफ्टर मार्केट लगा रखे हैं, आफ्टर मार्केट फिट कर है, अलॉयज और फॉग लाइट, लेकिन अलॉय इसके बहुत अच्छे लग रहे हैं, फॉग लाइट भी बहुत अच्छी लग रही है, तो थोड़े अरेंज कर रही है इसकी लुक को। और किलोमीटर ये 54,000 कंपनी सर्विस गॉट इवन है, 50 पे इसकी सर्विस हो रखी है कंपनी से ही। ठीक है, प्राइसिंग की इसकी हम करेंगे 735,000, 2016 मॉडल, 2016 वो 725 की है, 15 तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आप 16 भी कंसीडर कर सकते हैं, 15 भी कंसीडर कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन है। ये क्या है? ये टाइप 2 का जो शेप आ गया था, ये टाइप 2 है, वो टाइप 1 जो स्टार्टिंग आया था वही शेप है, वो तो वो ओल्ड शेप है, ये न्यू शेप कह सकते हो। तो इसकी 735,000 रहेगी, थोड़ा बहुत नेगोशिएशन रहेगा। चलिए अब बढ़ लेते हैं आपको, अब दिखा देते हैं सर, ये तो वेन्यू है क्या? चलिए मैं तो पहली बार शायद अपने चैनल पे दिखा रहा हूँ वेन्यू। न्यू ही है सर, बिल्कुल ही। क्या डिटेल है सर? सर ये 2019 नवंबर की SX प्लस ड्यूल टोन GDI टर्बो, ठीक है, पेट्रोल इंजन है, सबसे टॉप वेरिएंट है, सनरूफ के साथ आती है ये, ठीक है, सबसे टॉप। ओके, और सिंगल ओनर कार है ये, 9000 किलोमीटर ड्राइविंग है सिर्फ ये, सिर्फ 9000 सिर्फ इसकी दो ही सर्विस हुई है अभी फ्री। ओके, और अभी थर्ड फ्री सर्विस कस्टमर ले सकता है, पेंडिंग है वो, और 3 साल की एक्सटेंडेड वारंटी, 3 साल की इंश्योरेंस, ओके, की सर्विस, ठीक है, न्यू गाड़ी है। ओके, तो इसमें कुछ कराया? ऑल ओरिजिनल है, कुछ भी नहीं सर, कोई बम्पर्स नहीं, कोई कुछ नहीं, दो ही फ्री सर्विस हुई है, थर्ड फ्री सर्विस अभी 2021 तक कस्टमर ले सकते हैं। तो सारा कुछ इस पे जो भी फीचर्स दे रहे हो आप, कंपनी फिटेड है, कंपनी बिल्ड है, इसमें डुअल एयरबैग, ABS, अलॉयज, सनरूफ मिल जाएगा इसके अंदर, ठीक है, टचस्क्रीन सिस्टम आएगा, फुली लोडेड आती है, ठीक है। प्राइसिंग जो हम इसकी देके चलेंगे जी, 1,40,000, तो 1,40,000 की आप कंसीडर कर सकते हैं। दिल्ली NCR के पीपल्स के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, आपको सिर्फ ट्रांसफ़र कराना है, 4-5 हज़ार रुपये देने हैं आपके, कम से कम 3-3.5 लाख रुपए अप्रॉक्स बच जाएंगे अगर नई लेने जा रहे हैं तो। बिल्कुल, तो इसे कंसीडर कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा है। नवंबर दिसंबर की 2019 की, तो अभी तो पूरा एक साल भी नहीं हुआ, 9-10 महीने हुए हैं, तो अच्छी डील कह सकते हो सर। ये आगे टाटा की नेक्सॉन, क्या डिटेल है इसकी? सर टाटा नेक्सॉन ये 2017 दिसंबर XZ प्लस डीजल, सबसे टॉप वेरिएंट, टॉप वेरिएंट आ गया। हाँ जी, पुश बटन स्टार्ट डीजल में। ओके, सिंगल ओनर कार है, दिल्ली का रजिस्ट्रेशन है, और ये 63,000 किलोमीटर, 63,000 किलोमीटर विद रिकॉर्ड ड्राइविंग है, 8,000 रुपए कंपनी से सर्विस है इसकी, ठीक है। इसमें ये कीलेस एंट्री आ जाएगी, डुअल एयरबैग, ABS, एप्पल टचस्क्रीन सिस्टम मिल जाएगा, ऑटो साइड में लेदर बकेट सीट मिल जाएंगे, फुली लोडेड आएगी अभी कंपनी से, ठीक है। और प्राइसिंग की इसकी बात करें तो ये हम दे देंगे जी 6,55,000 की, 6,55 की, 2017 ही कह सकते हो उसे, 17 दिसंबर मतलब 18 ही आ गई लगभग, ये भी आपकी 12 प्लस की है, 12 प्लस, तो 6,55,000 की दोगे आप, 6,55,000 की गाड़ी। तो भाई टाटा की गाड़ी है, ये गाड़ी बड़ी फेमस हुई है, आप कंसिडर कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब आ गई मारुति की ब्रीजा, ये भी बड़ी हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है, क्या डिटेल है सर? ये सर 2018, ठीक है, ZDI डीजल है ये, टॉप हो गया, और गुड़गांव का रजिस्ट्रेशन है, हाँ, 27,000 किलोमीटर ड्रिवन है विद रिकॉर्ड, ठीक है। फीचर इसमें डुअल एयरबैग, ABS, ओके, ठीक है, सिस्टम कंपोनेंट बिल्ड, स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल मिल जाएगा, टॉप मॉडल ये है, ये भी टॉप हो गया, ZDI टॉप ही होती है, ZDI प्लस आती है, ZDI प्लस आया तो उसमें पुश बटन हो जाती है, बस उतना ही डिफरेंस है, बस इतना डिफरेंस है। तो इसे भी आप ZDI मतलब जो है टॉप कंसीडर कर सकते हो, इसको हम दे देंगे जी 7,60,000 की, 7,60, 2018 ZDI, चलो बढ़िया डील है। अच्छा मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि नमन जी बोल रहे हैं कि सारी गाड़ियों के मीटर के सर्विस रिकॉर्ड के साथ अवेलेबल हैं, कोई टेम्परिंग का काम अपने यहाँ है नहीं, फुल लेटर हेड की भी गारंटी है हमारी, कंपनी चेक कराएं कस्टमर की तरीके से। सबसे बढ़िया चीज़ है कि आपको गाड़ी का नंबर डिस्प्ले हो रहा है, हर गाड़ी का नंबर डिस्प्ले हो रहा है, आपको चेक कराने के लिए गाड़ी ले जाने की ज़रूरत नहीं है, एटलीस्ट इस नंबर से आप इसका सर्विस रिकॉर्ड निकलवा सकते हो, रिलेटेड शोरूम जो भी होगा, चाहे मारुति चले जाओ, टाटा चले जाओ, किसी के भी जाओ, अब हमसे चेक कराओ,
उसी में आपको पता चल जाएगी लास्ट सर्विस कब हुई है। नंबर तो नहीं, कोई कस्टमर अगर मुझसे आरसी चाहता है आरसी व्हाट्सएप पे ले सकता है, चेक करा सकता है। आरसी भी मिल जाएगी, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए कि आप कंफर्म कर सकते हैं कि ये, क्योंकि ये ज्यादा पुरानी गाड़ियां नहीं है और इन सबके सर्विस रिकॉर्ड मेरे ख्याल से मिल जाने चाहिए। तरीके से सर्विस। चलिए तो ये 7,60,000 रुपए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, एक और कार दिखाते हैं आपको। ये कौन सा है सर? एस क्रॉस है जी। ये एस क्रॉस आ गई, तो अब दिखा देते हैं आपको नेक्स्ट गाड़ी एस क्रॉस मारुति की। क्या डिटेल है ये सर? 2017 1.3 सिग्मा डीजल वेरिएंट है, सिंगल ओनर कार है, 34,000 चली हुई है। फीचर इसमें डुअल एयरबैग, ABS, चारों पावर विंडो, म्यूजिक सिस्टम कंपोनेंट मिल जाएगा, ठीक है, कैमरा ओके, इसमें अलॉय नहीं आते, अलॉय नहीं मिलेंगे इसमें। ओके, स्टार्टिंग मॉडल कह सकते हैं सिग्मा बेस वेरिएंट ही होता है, बेस वेरिएंट है सिग्मा, हो गया फिर डेल्टा, जीटा, अल्फा, ऐसे आ जाते हैं इसमें। तो 2017 है, दिल्ली का नंबर है, सिंगल ओनर कार है। कितनी चली है लगभग ये? 34 चली है जी। जेनुइन है ये भी? हां जी। और ये कभी एक्सीडेंट वगैरह हुई कभी? नहीं, बम्पर तो वगैरह पेंट है, तो नॉन एक्सीडेंट और मीटर की पूरी गारंटी रहेगी। क्या डिमांड रखी है इसकी? रहेगी सर प्राइस 575। चलिए 2017 आपको 575 में मिल जाएगी। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, एक और कार दिखा देते हैं आपको, होंडा की WRV। क्या डिटेल है सर? सर ये 2017 VX ऑप्शनल डीजल, VX ऑप्शनल डीजल, सबसे टॉप वेरिएंट है, इसमें सनरूफ भी मिल जाता है आपको। ओके, पुश बटन प्लस सनरूफ, ठीक है, सिंगल ओनर कार है। ओके, और UP14 गाजियाबाद का रजिस्ट्रेशन है। पेट्रोल है? डीजल है ये? डीजल है, ठीक है। 70,000 किलोमीटर विद रिकॉर्ड ड्रीवन है, ठीक है, ठीक है जी। कितने की लेके आऊंगा मैं नई आज इसे? 12.5 लाख रुपए। अभी डिस्कंटिन्यू आ रही है? नहीं नहीं आ रही है सर, आ रही है 12.5 लाख की ऑन रोड जो डीजल है। ओके, और फीचर इसमें आपको कीलेस एंट्री, पुश बटन स्टार्ट आ जाएगी गाड़ी, सनरूफ मिल जाएगा आपको गाड़ी के अंदर, ठीक है, डुअल एयरबैग, ABS, अलॉयस, क्रूज कंट्रोल मिल जाएगा, एप्पल टच स्क्रीन सिस्टम मिल जाएगा इसमें, ऑटो फोल्ड साइड मिरर, फुली लोडेड आएगी गाड़ी है। ओके, 70,000 ड्राइवन है विद कंपनी रिकॉर्ड के साथ। इसका माइलेज क्या रहता है? इसका माइलेज अच्छा है सर, 18-20 की माइलेज देगी, 1.5 इंजन आते हैं, 1497 cc का छोटा इंजन रहता है, लेकिन माइलेज के मामले में बहुत अच्छी है, कॉम्पैक्ट कार कह सकते हो उसे। तो सर आपने इसकी क्या डिमांड रखी है जैस्मिन मोटर पे? ऐसी बता दो कि लोग देखते गए, वाकई में पाजी ने बहुत बढ़िया डिमांड दी। दे देंगे सर 7.5 लाख की। 7.5 लाख रुपए की 2017 VX ऑप्शनल डीजल सनरूफ, सबसे टॉप वेरिएंट है, टॉप वेरिएंट है। चलिए 7.5 लाख की डिमांड है, बाकी छोटा मोटा नेगोशिएशन हो जाएगा। अब आ जाते हैं एक और आपकी मोस्ट फेवरेट कार, रेनॉल्ट की डस्टर, जो मेरे बहुत सारे मित्र लिखते रहते हैं तो ढूंढ के लाता रहता हूँ आपके लिए। एक और खड़ी हुई रेड कलर में, सर क्या डिटेल है इसकी? सर ये 2012 मॉडल है, RXL डीजल, सिंगल ओनर कार है। ओके, और किलोमीटर ये 56,000 ड्रिवन है। इसमें आफ्टर मार्केट 80-90,000 का सामान लगा हुआ, जैसे कि अलॉयस, पीछे डिक्की में देखेंगे बेस ट्यूब, एम स्पीकर, सीडी चेंजर, आर्मरेस्ट, बैक रिवर्स कैमरा, लेदर बकेट सीट्स, ये सारा आफ्टर मार्केट, आफ्टर मार्केट सारा काफी सामान लगवा रहा है। RXL से ऊपर आता है RXZ। हाँ जी, ये RXL 85 PS है, ठीक है, ठीक है जी। हाँ, दिल्ली का नंबर है, 2012 सिंगल ओनर कार है, और प्राइसिंग जो इसकी रहेगी 3,90,000। 3,90,000 बिकॉज ऑफ इसमें बहुत सारी कस्टमाइजेशन हो रखा है, तो थोड़ा सा प्राइस में उसको भी आप ऐड कर सकते हो, लेकिन नॉट अ बैड डील, गुड डील कह सकते हो। ऑल ओरिजिनल पेंट की गाड़ी है, बम्पर कुछ इसमें नहीं कराया, कोई टचअप नहीं करा रखा है गाड़ी का, ठीक है। अब 3,90,000 सर, कुछ और गुंजाइश रहेगी इसमें? थोड़ी बहुत सर, 5-7 हज़ार का, ठीक है। अब ये बात तो हो गई कारों की, अब हमने आपको कार दिखा दी 10-12 बहुत अच्छी अच्छी कार हैं, सारी मेंटेन, वेल मेंटेन कार हैं और लेस ड्रिवन कार हैं। सर अब हमें थोड़ी सुविधा की बात करते हैं, तो आप किस किस को यहाँ लोन दे रहे हो? सर ऑल इंडिया लोन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, इंडिया लोन हो जाएगा, कोई भी दिक्कत उक्का कोई विलेज में, कोई ज्यादा गांव में जहाँ पे बैंक की लोकेशन नहीं आती तो नहीं होता, बाकी ऑल इंडिया लोन हम ऑलरेडी डिलीवरियाँ दे रहे हैं आर्मी पर्सन को भी, हर तरीके से ऑल इंडिया लोन फैसिलिटी है। आर्मी पीपल्स को कुछ खास डिस्काउंट है? मैंने पूरे डिस्काउंटिंग प्राइस ही डिस्काउंट देके पूरे दिए मैंने, बाकी जो भी आपका नाम लेके आएगा मान करेंगे। ओके, अब आ जाती है बात, NOC देनी है, ट्रांसफर करानी है, तो वो आप ही करवाते हो या किसी और कोई धक्के खाने? नहीं नहीं, हम ही करवा के देंगे सारा। आप RC ट्रांसफर है, चाहे किसी को किसी भी स्टेट के लिए NOC चाहिए, हम ही प्रोवाइड करके देते हैं, हमारे पास एजेंट्स होते हैं सारे। ओके, तो वो उसमें उसका खर्चा देना पड़ता है या फ्री ऑफ कॉस्ट है वो? नहीं, उसका खर्चा देना पड़ता, कोई अप्रोक्स ज्यादा खर्चा नहीं आता सर, दिल्ली नंबर जोन से भी गाड़ी है, 3,000 रुपए का खर्चा रहता, चाहे वो NOC लें चाहे RC ट्रांसफर नाम कराएं, ठीक है। कोई कस्टमर बाहर का अदर स्टेट का है, वो दिल्ली की गाड़ी को केयर ऑफ में नाम करवाता है, तो वो खर्चा 4,500 हो जाता है, ठीक है।
अब बात आती है कि हमारे बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो दिल्ली से बाहर से हैं, वो यहाँ विजिट नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ पेंडेमिक, तो क्या उन लोगों के लिए कोई ट्रांसपोर्टेशन की या होम डिलीवरी की आपने सुविधा दे रखी है? बिल्कुल है सर, ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है, ट्रांसपोर्ट कहीं भी, हाँ जी ऑल इंडिया कहीं भी। ओके, तो उसका जो खर्चा आएगा वो कस्टमर को बेयर करना है? बिल्कुल, जो भी आएगा। देखिए ये ऐसे सवाल है कि हर गाड़ी का, अब एसयूवी लेंगे तो उसका अलग ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज है, छोटी कार लेंगे उसका अलग ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज है, इसलिए ये वेरिएशन होती रहती है। तो वो जिस टाइम आप डिलीवरी लेंगे उसी टाइम एक्चुअल बता दिया जाएगा, तो हमें पिन कोड एड्रेस बताएंगे उसी टाइम हम 5 मिनट के अंदर बता देंगे कि ये चार्जेस हैं। ठीक है, लोकेशन के हिसाब से होता है कितने किलोमीटर। तो बाकी किसी तरह की श्योरिटी गारंटी वारंटी देते हो आप कार्स पे अपनी पे? अगर किसी भी कस्टमर को गाड़ी पे वारंटी भी चाहिए तो वन ईयर की वारंटी प्रोवाइड करते हैं हम। वो पेड होगी? वो पेड है, 4000 प्लस टैक्स, मतलब 5000 की वारंटी पड़ती है वन ईयर की, जिसमें इंजन गियर बॉक्स सस्पेंशन ये सब कवर्ड है, सब कुछ कवर कर देते हो। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको वारंटी मिल रही है, पेड वारंटी मिल रही है, कंपनी देगी ये अपने आप अपने पास से नहीं देंगे, कोई भी कंपनी होगी कंपनी से दिलवाएंगे। इट मीन्स कि कार नॉन एक्सीडेंटल है, कारों में कोई कमी नहीं है, इंस्पेक्टेड है, सारी चेक्ड है, सर्टिफाइड सर्विस सेंटर अवेलेबल है, जो भी वारंटी देंगे कंपनी की ओर से। ओके ठीक है, तो नमन जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मिलेंगे आपसे दूसरी वीडियो में जल्द, ऐसी गाड़ी लाते रहिए आप। बिल्कुल। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, होप कि आपको अच्छा लगा होगा, और प्राइसिंग कैसी लगी, गाड़ियाँ कैसी लगी, मुझे लिखना ज़रूर, बताना ज़रूर, इंतज़ार रहता है बड़ा बेसब्री से आपके सवालों का और आपके कमेंट्स का। तो बस ख़त्म करता हूँ आज का वीडियो यहीं पर, उन्हीं दो शब्दों के साथ, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, लेकिन अस्त व्यस्त मत रहो। तो मिलता हूँ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।